स्टेनलेस स्टील की रेलिंग खरीदने से पहले हो जाइए सावधान, नहीं तो इसी तरीके से हो जाएगा सारा पैसा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग ये सोचकर लगवाई गई थी कि पूरी उम्र कुछ इस तरीके से एकदम चमकदार बनी रहेगी, लेकिन मटेरियल देते समय ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार ने ऐसी चालाकी की कि एक साल के अंदर पूरी की पूरी रेलिंग का आप देख सकते हैं कि कलर पूरी तरह से उड़ गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ये अच्छी क्वालिटी का होता तो कुछ इस तरीके सालों साल, कम से कम 10 साल जरूर से ज़रूर इसमें चमक बरकरार रहती। चलिए इस वीडियो में हम आपको 5 पॉइंट बताते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील रेलिंग लेने से पहले ज़रूर से ज़रूर चेक करना चाहिए। यदि आप चेक नहीं करेंगे तो इसी भाई की तरह पछताएंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लेते समय आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो रेलिंग आप ले रहे हैं उसको आप कहाँ पर लगाएंगे, जैसे घर के अंदर लगाएंगे या फिर घर के बाहर लगाएंगे, यानी कि ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर सनलाइट और इसके साथ साथ बारिश का पानी पड़ेगा। तो यदि आप घर के बाहर कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने वाले हो जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी पड़े और इसके साथ साथ बारिश का पानी पड़े, तो उस सिचुएशन में आपको वहाँ पर 304 ग्रेड की स्टील का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील आता है और इसका उपयोग घर के बाहर की रेलिंग में किया जाता है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े और इसके साथ साथ बारिश का पानी पड़े। और सेकेंड रेलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 202 ग्रेड की रेलिंग आती है और इसका उपयोग घर के अंदर की रेलिंग बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पर सनलाइट और बारिश का पानी ना पड़े। तो ऐसी जगह के लिए 202 ग्रेड की स्टील की रेलिंग का उपयोग किया जाता है। 202 ग्रेड की जो रेलिंग है वो 304 ग्रेड की रेलिंग के मुकाबले काफ़ी सस्ती आती है। यदि हम रेट की बात करें तो 202 ग्रेड की रेलिंग जो है वो आपको 550 रुपये फिट के हिसाब से मिल जाती है, और वहीं यदि हम 304 ग्रेड की रेलिंग की बात करें तो आपको 750 से लेकर 800 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पर यही गलती हुई, जब हम लोग रेलिंग लेने जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं कि भाई कुछ पैसे कम करो, तो उस सिचुएशन में दुकानदार जो है वो 100-150 कम कर देता है और कम करने के बाद घर के बाहर की भी रेलिंग में 202 ग्रेड लगा देता है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब 202 ग्रेड की रेलिंग पर धूप और बारिश का पानी पड़ेगा तो उस सिचुएशन में उसका कलर कुछ इस तरीके से डल हो जाएगा, यानी कि उसकी चमक चली जाती है। तो अगली बार जब भी आप रेलिंग लगवाइए तो दुकानदार से ये बोलिएगा कि भाई हमें घर की बाहर की रेलिंग में 304 ग्रेड की रेलिंग चाहिए और 304 ग्रेड में जो आप कम करना चाहते हैं उसमें कम करिए। ये नहीं कि भाई 304 ग्रेड की रेलिंग में आप कम करवा रहे हैं, 50 रुपये छोड़कर आप 202 ग्रेड की रेलिंग लगा दें, तो भाई इससे आपका ही घाटा होगा। तो ऐसी डील आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। घर के बाहर आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी आप रेलिंग लगवा रहे हैं 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कुछ दुकानदार यहाँ पर भी पैसा बचाते हैं। आप देख सकते हैं कि रेलिंग लगाते समय रेलिंग में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो कि पाइप के अतिरिक्त लगाए जाते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, बीच की कुछ पाइपें हो गई और बीच में कुछ डिज़ाइनें बनती हैं, तो कुछ दुकानदार इसको देते समय भी इसका ग्रेड चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 304 ग्रेड देना है तो वो लोग 202 ग्रेड देंगे तो इसका जो रेट होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दुकानदार पैसा बचा लेते हैं। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लेते समय अपने दुकानदार से बोलिएगा कि रेलिंग के अतिरिक्त जो पार्ट वगैरह लगते हैं, जैसे ये वाले और ये वाले, इसका भी ग्रेड सेम होना चाहिए, नहीं तो इसका भी ग्रेड जो है वो 304 से कम नहीं होना चाहिए यदि आप घर के बाहर लगवा रहे हैं। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जब इसकी फिक्सिंग की जाती है, इसको जब जाम किया जाता है तो जहाँ पर होल होता है वहाँ पर कुछ इस तरीके से एरोलाइट लगाया जाता है। तो जिस समय ये काम चल रहा हो उस समय अच्छे से वहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर दीजिएगा यदि आपके पास टाइम नहीं है, और यदि टाइम है तो आप खुद खड़े हो जाइएगा और अच्छे से एरोलाइट लगवाइएगा। यदि आप अच्छे से एरोलाइट नहीं लगवाएंगे तो थोड़े समय बाद आपकी जो रेलिंग है वो थोड़ा सा मूवमेंट करने लगेगी, यानी कि हिलने डुलने लगेगी, तो अच्छे से आपको एरोलाइट लगवाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय बहुत सारे मिस्त्री जो है वो पैसा कम करने के चक्कर में बीच की स्पेसिंग कम कर देते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाई बीच की जो स्पेसिंग है, जो बीच में मटेरियल लगता है, उसकी मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे गए हैं कि बीच से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।